हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर, बात करेंगे आपके बैंक एक्स के ऊपर कि इन दोनों की आपके मंडे की एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर। तो आपका ऑल मार्केट जो आपका है वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। बट इसके अंदर देखने वाली क्या बात है, वीकली चार्ट के ऊपर अगर एनालिस करें, वीकली चार्ट के ऊपर अगर बात करें, तो इस बार की जो कैंडल है वो कैंडल देखने को मिली है आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। अभी आपके बायर्स जिंदा है मिड कैप के अंदर, केवल और केवल मिड कैप के अंदर। बाकी आपके बैंक निफ्टी के अंदर, आपके निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आपके सेलर्स जबरदस्त तरीके से हावी है। तो मिड कैप के अंदर क्या हो सकता है, एक जबरदस्त इंपोर्टेंट लेवल की अगर बात करें, वीकली एनालिस्ट की बात करें, तो सबसे इंपोर्टेंट चीज है आपके लिए ये वाला लेवल, सबसे इंपोर्टेंट चीज है आपके लिए ये वाला लेवल। लेवल है आपके लिए 10,940, ठीक है, अपसाइड के लिए। और इस लेवल से लेकर के एक रेंज है 10,988, लगभग लगभग 11,000 के आसपास का मामला। यहां से लेकर के यहां तक आपके 48 पॉइंट की ये मूवमेंट है। अगर मार्केट के अंदर ये 48 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर अगेन आपकी मिड कैप अगर रेंज बना करके अपसाइड की तरफ ब्रेक करती है, तो अपसाइड की तरफ अगेन मार्केट आपका इस तरफ अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है। लेवल क्या रहे, 11,000 के बाद में, 11,000 के बाद में लेवल देखने को मिलेगा 11,033, इसके बाद में 11,667, और इसके बाद में 11,110 का लेवल आपको अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं कि शॉर्ट कब करना है मिड कैप को, मिड कैप को शॉर्ट कब करना है, तो उसके लिए नजर रखना वनडे के चार्ट के ऊपर। मार्केट फर्स्ट क्लास आपका एक अच्छे खासे प्राइज एक्शन को फॉलो कर रहा है। प्राइज एक्शन को कैसे फॉलो कर रहा है कि मार्केट गिरा, मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया, मार्केट के अंदर एक जबरदस्त करेक्शन आता है, उसके बाद मार्केट कवर करता है, उसके बाद में फिर एक हल्का सा करेक्शन, फिर मार्केट कवर करता है, फिर हल्का सा करेक्शन, एक अच्छा खासा फॉल केवल और केवल इसके नीचे, केवल और केवल इसके नीचे। लेवल कितना रहेगा, 10,650 का। मार्केट कहाँ खड़ा है, 10,877, 77, ठीक है। तो हमारे लिए लेवल क्या हो जाते हैं, अपसाइड की तरफ मैंने आपको लेवल बताया, मार्केट खड़ा है 10,870 के आसपास, अपसाइड की तरफ हमारा लेवल हो जाता है 10,950, डाउन साइड की तरफ 10,650। जब तक ये दो लेवल इंपोर्टेंट ब्रेक नहीं हो जाते, मिड कैप के अंदर आपको किसी भी तरीके की अपसाइड डाउन साइड की एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 10,650, तो उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। मार्केट आपको दिखा सकता है 10,400, उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 10,200 अगेन, उसके बाद में 10,000 का साइकोलॉजिक लेवल जो इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट है, वहां तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर कि मंडे के दिन एक्सपायरी कैसे हो सकती है। तो मंडे के दिन केवल एक रेंज को नोट करके रखना और कुछ नहीं करना है। ये रेंज है 10,950 जो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल ये रेंज, और डाउन साइड की तरफ 10,720, इस दोनों को लेवल को नोट करके रखना, बस 10,750 है। बट हमारे लिए कंफर्म जो लेवल है वो है ये विग का लो ब्रेक होता है तो हम मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। बाकी अगर मिड कैप कल के दौरान भी अगर इस रेंज के अंदर घूमती है तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलने वाला, मिड कैप आपकी नई बहू बन सकती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल हो जाते हैं अपसाइड की तरफ। अगर ये वाला लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, अपसाइड की तरफ ये वाला लेवल अगेन ब्रेक होता है 10,950, उसके बाद में मार्केट सीधा हमें जो मूवमेंट देगा वो देगा हमें 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट, या 100 पॉइंट की मूवमेंट कह लीजिए। 10,950 से मार्केट आपको 11,050 तक की मूवमेंट दिखा सकता है। इस लेवल तक मार्केट
अपसाइड की तरफ जा सकता है, बट एक अच्छी खासी रेंज बने, क्योंकि अगर मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ निकलेगा तो अगेन हमारे पास इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो होगा 11,050 का। मिडकैप की बात हो चुकी है, बात कर लेते हैं बैंकेक्स के ऊपर। बैंकेक्स के ऊपर हमने पहले कभी बात की नहीं है, तो गौर से चीजों को समझने और सुनने की कोशिश करना। जैसे कि आपको मिडकैप का मैंने चार्ट बताया था 1 वीक का, ठीक है। 1 वीक के चार्ट के अंदर हमने जो कैंडल देखी थी वीक वाली, इस कैंडल के अंदर कहीं ना कहीं आपके बायर्स अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट आपके बैंकेक्स के अंदर जो कैंडल बनी है वो कैंडल ऐसी नहीं है। इस कैंडल को बोलते हैं 90% बियरिश कैंडल। जबरदस्त तरीके से मंडे से आपके जो सेलर्स है वो मार्केट के ऊपर हावी है, और मार्केट को जो क्लोजिंग करवाते हैं फ्राइडे वाली, वो डे मतलब आपकी जबरदस्त बियरिश क्लोजिंग करवाते हैं। इंपोर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है कि नीचे की तरफ एक हैमर कैंडल बनी थी, ठीक है। जब तक आपका ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, लेवल कौन सा है, लेवल नोट करके रखना, लेवल के ऊपर बात करता हूं, और लेवल ही आपको कुछ अच्छा खासा बनाकर दे सकता है मार्केट के अंदर। क्लियर, इसको देख लेते हैं एक बार। अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये लेवल है हमारा, कौन सा वाला है, ये वाला 53,000, कौन सा वाला है, 53,750 का लेवल। ये लेवल आपके लिए डाउन साइड की तरफ हो जाता है। अपसाइड की तरफ बात करें, 53,750 को याद रखना आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। कौन सा वाला लेवल, 53,700 से लेकर के 750। अगर मुझे बैंकेक्स यहां पर मिलता है तो एक बार मैं छोटा सा यहां पर रिस्क लेना पसंद करूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 53,640। इस स्टॉप लॉस के सहारे मैं मार्केट को बाय करना पसंद करूंगा। बाकी अपसाइड की तरफ हमें कब देखना है, ये आपका वीकली लेवल है बैंक एक्स में, ये आपका लेवल है वीकली, आपका मार्केट खड़ा है 54,150 के आसपास। मैं यहां से बात कर रहा हूं नीचे की तरफ 400 से 500 पॉइंट डाउन साइड की तरफ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 53,750 के लेवल के ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए, कि इस हैमर कैंडल की क्लोजिंग का जो नीचे का पार्ट है, यहां अगर मार्केट मिलता है तो एक बार बाइंग बनती है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट के अंदर फिर 300 से लेकर के 500 पॉइंट का फॉल आपको बैंकेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ की कब देखना है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये वाला। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक अच्छा खासा मामला हमें देखने को मिल नहीं सकता, जो लेवल है 5,880 का, 54,880 का, ठीक है। 54,880 का लेवल ब्रेक होता है तो आपका जो पिछला एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है बट मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, और मार्केट अगेन इसके नीचे आकर के क्लोजिंग दे रहा है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको फिर अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। मार्केट आपका जा सकता है 55,200 और उसके बाद में 55,435 तक अपसाइड की तरफ मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। बात कर लेते हैं मंडे के दिन, कि मंडे के दिन किस तरीके से बैंकेक्स के अंदर वर्क करना है। देखिए कैंडल्स के ऊपर नजर रखिए कि कितनी बार वीक के ऊपर मार्केट ने टेस्ट कर लिया है, और कितनी बार मार्केट ने आपको आप इंट्राडे के दौरान उस लेवल को टेस्ट किया है, रिटेस्ट किया है, ठीक है। तो मार्केट आपका एक प्रोजेक्शन बनाता हुआ, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर कोबरा स्टाइल के अंदर डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। पिछला आपका हाई ब्रेक नहीं हो रहा, और हमारे लिए इंपोर्टेंट लेवल हो जाता है केवल और केवल ये वाला। ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड की तरफ कुछ देखने को मिलेगा। लेवल है आपका 54,640 का, मार्केट खड़ा है आपका 54,150 के आसपास। डाउन साइड की तरफ कब हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे, केवल और केवल आपका 53,922 के नीचे। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 53,750, जो मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका।
54,640 अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट हमें जो मूवमेंट दिखा सकता है वो मूवमेंट होगी यहाँ तक की। फर्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी जो है 55,000 के आसपास। बैंकेक्स का मामला एक और सुनिए, बैंकेक्स और आपका सेंसेक्स, ये दोनों बीएससी के पार्ट है और इन दोनों के अंदर जो मूवमेंट होती है वो इनविजुअल टाइप होती है। आपको कई बार देखने को मिला होगा 10-10 रुपए के प्रीमियम आपके 300-300 प्लस चले जाते हैं, 500-500 रुपए के प्रीमियम आपके झटके से 10 रुपए पर क्लोजिंग कर देते हैं या 0 पे क्लोजिंग कर देते हैं। तो संभल कर काम कीजिए और मेरा कहना तो ये है कि एक्सपायरी इंडेक्स के अंदर वर्क कीजिए ही मत। ये आपके लिए आपकी मांग के ऊपर मैंने बनाया है, लेवल में देना मेरा काम है तो मैंने आपको दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप जुड़ना चाहते हो देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।